तो गाइस फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। दिया है मेरे पास देखिए हीरो कंपनी का स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक BS6 बाइक है और अभी बाइक का सेकंड सर्विस करना है। फर्स्ट सर्विस हम सर्विस सेंटर से करवाए थे बट इस बाइक का अभी सेकंड सर्विस करना है। बाइक को हम वॉश किए थे बट वॉश करके हम 1 किलोमीटर बाइक को चलाए थे जिसका अभी बारिश हो रहा है तो बारिश में कीचड़ उचर थोड़ा ज़्यादा लग गया है। सड़क पर कीचड़ है तो वही कीचड़ पड़ गया तो इससे डिफरेंट है। बट बाइक को हम वॉश किए थे तभी इस बाइक को हम सर्विस सेंटर जैसा सर्विस करके अपने वर्कशॉप पर दिखलाएंगे सेकंड सर्विस में सर्विस सेंटर पे क्या क्या किया जाता है। बट सर्विस सेंटर जाने का मुझे टाइम नहीं मिला इस प्रॉब्लम सर्विस सेंटर हम नहीं रिव्यू कर पाए। बाइक का जो सेकंड सर्विस होता है वो 3000 और 3500 किलोमीटर के बीच में होता है बट ये 3582 किलोमीटर चले यानी 82 किलोमीटर बाइक एक्स्ट्रा ही चल गया क्योंकि समय की वजह से सेकंड सर्विस हम बाइक का नहीं करवा पाए। तब इस वीडियो के अंदर बताया कि सर्विस सेंटर जैसा सेकंड सर्विस कैसे बाइक को किया जाता है वो आपको बताएंगे। सर्विस सेंटर पर भी इसी तरह से सर्विस किया जाएगा। फर्स्ट सर्विस हम सर्विस सेंटर से करवाए थे और सेकंड सर्विस अपने वर्कशॉप से करवाएंगे। थर्ड सर्विस का आप लोगों को वीडियो चाहिए सर्विस सेंटर का तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्योंकि फ्री सर्विस रहता है। 5 कंपनी जो है फ्री सर्विस देता है। तो चलिए वीडियो में देरी नहीं करते वीडियो को कर लेते हैं फटाफट से स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टार्ट करके 1 मिनट तक छोड़ देना वैसे ही कुछ नहीं करना है। 1 मिनट तक बाइक को स्टार्ट करके छोड़ दिए जस्ट उसके बाद आपको क्या करना है इग्निशन ऑफ करना है और तुरंत आपको बाइक से इंजन ऑयल बाहर निकालना है। बाइक में क्या था 17 नंबर का इंजन बोल्ट लगा था अभी के बाइक में 12 नंबर का इंजन बोल्ट लगा जो कि 12-13 का रिंग स्पिनर से इंजन बोल्ट आसानी से ओपन हो जाएगा। चलिए हम फटाफट से बोल्ट को ओपन कर लिए यहाँ से जस्ट हम इंजन ऑयल को बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं कितना ML इंजन ऑयल बाहर निकल रहा है। अभी देखिए इंजन ऑयल बाहर निकल रहा है और एक इंजन ऑयल के अंदर इंजन ऑयल का जो बोल्ट है इसके अंदर एक इस तरह का वार्सल रहता है। ये वार्सल खराब हो गया तो इसको रिप्लेस कर देना है। अगर नहीं खराब है उसी वार्सल को अच्छा से क्लीन करके आपको सेटिंग करना है। फिलहाल ये वार्सल अभी परफेक्ट सही है फर्स्ट सर्विस में इसको रिप्लेस ही किया था अभी रिप्लेस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फटाफट से पहले बाइक का साइड पैनल ओपन करते हैं और एयर फिल्टर को ओपन करते हैं। जब तक इंजन ऑयल बाहर निकल रहा है तब तक हम एयर फिल्टर को क्लीन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एयर फिल्टर बॉक्स को हम ओपन किए और एयर फिल्टर का कंडीशन देखिए अभी भी एयर फिल्टर चलने लायक है। ये कूट में एल्केन कूट फिल्टर है इसके अंदर केमिकल दिया रहा है जो कि धूल मिट्टी जाता है तो इसके अंदर चिपक जाता है। वैसे इसको हम एयर गन के मदद से अभी एक बार इसको क्लीन कर देते कि उतना खराब भी नहीं है। अगर ये ज्यादा खराब रहता तो इसको हम रिप्लेस कर देते बट इसको अभी हम एयर गन की मदद से अच्छा से क्लीन करेंगे। एयर गन की मदद से यहाँ फिल्टर को अच्छा से क्लीन कर लेते हैं। वैसे देखिए फिल्टर अभी उतना गंदा है नहीं इसको अच्छा से क्लीन कर लिए। देखिए परफेक्ट एयर फिल्टर क्लीन हो गया। इस तरफ से क्लीन करेंगे तो धूल मिट्टी निकलेगा नहीं पहले आपको आगे से क्लीन करना है इस क्रॉस करके ताकि धूल मिट्टी बाहर निकल जाएगा। जस्ट उसके बाद इसको पीछे से इस तरह से एयरगन का यूज करना। देखिए परफेक्ट क्लीन हो गया। अब हम एयर फिल्टर बॉक्स को यहाँ पे क्लीन करते हैं। फ्रेश टॉवल लेकर के एयर फिल्टर बॉक्स को अच्छा से क्लीन कर लेना है। फिल्टर हम परफेक्ट क्लीन कर लिए फिल्टर को हम कुछ इस तरह सेटिंग कर दिए। एयर फिल्टर बॉक्स को अंदर बाहर आपको अच्छा से क्लीन करके एयर फिल्टर बॉक्स को आपको अच्छा से सेटिंग कर देना है। एयर फिल्टर बॉक्स को परफेक्ट टाइट कर लिए। अब चलिए हम साइड पैनल को यहाँ पे सेटिंग कर देते हैं। एक बार आपको बाइक को लेफ्ट साइड टर्न करना है ताकि क्लच वाले कटोरे में जो भी इंजन ऑयल होगा बाहर निकल सके। एक बार अभी बाइक को हम राइट साइड टर्न किए एक बार फिर से आपको बाइक को लेफ्ट साइड टर्न करना है ताकि इंजन के अंदर जो भी इंजन ऑयल होगा बूंद बूंद करके बाहर निकल सके। परफेक्ट इंजन ऑयल बाहर निकल गया और इंजन के अंदर से भी देखिए प्रॉपरली यहाँ पे 800 ml इंजन ऑयल बाहर निकला है। 3000 किलोमीटर चलने के बाद 100 ml इंजन ऑयल इसमें कमा है तो 100 ml आप ये नहीं सोचे कि बाइक धुआं दे रहा है। 100 ml इंजन ऑयल इसलिए कमा है क्योंकि बाइक का जो फर्स्ट सर्विस में क्या होता है क्लच चैम्बर ओपन किया था तो जैसे ही बाइक का क्लच चैम्बर ओपन करते हैं सभी पार्ट ड्राई हो जाता है। 100 ml इंजन ऑयल जो है क्लच का असेंबली में जो है इंजन ऑयल के असेंबली में रह गया जिसकी वजह से 100 ml इंजन ऑयल अभी कम निकला है। अगर थर्ड सर्विस में हम इंजन ऑयल बाहर निकालेंगे तो उस टाइम में 900 ml इंजन ऑयल बाहर निकलेगा। थर्ड सर्विस में आपको क्लच चैम्बर को भी ओपन करके दिखलाएंगे सक्शन फिल्टर स्किन फिल्टर क्लीन करके। पहले बाइक में इंजन ऑयल यूज करना है तो यहाँ से पहले डिपस्टिक को ओपन करते हैं। डिपस्टिक फुल्ली बाहर निकालने से पहले आप क्या करना है यहाँ पे एयर गन का थोड़ा यूज करता है कि इसके अंदर जो भी धूल मिट्टी का बाहर निकल जाएगा। बहुत मैकेनिक भाई लोग क्या करते हैं डिपस्टिक को बाहर निकाल लेते हैं उसके बाद यहाँ पे फूक मारते हैं। इस तरह से फूक मारने से जो भी धूल मिट्टी होगा वो इंजन में चला जाएगा तो ऐसा आपको कभी नहीं करना है। अब चलिए हीरो कंपनी का देखिए जेन्युइन इंजन ऑयल है हीरो का ही अभी हम बाइक में इंजन ऑयल यूज करेंगे क्योंकि अभी न्यू बाइक है कंपनी रिकमेंड हीरो का ही इंजन ऑयल है। हीरो का ही इंजन ऑयल अभी हम बाइक के अंदर यूज करेंगे। हम परफेक्ट इंजन ऑयल डाल दिया। अब इंजन ऑयल का जो डिपस्टिक है इसके अंदर देखिए एक ओरिंग लगा है
ओरिंग को आपको चेकअप करना है, ओरिंग कटा है या फिर लीकेज है तो ओरिंग रिप्लेस करना, नहीं तो वही ओरिंग को सेटिंग कर देना है। ओरिंग कट जाता है तो यहाँ से इंजन है लीकेज का प्रॉब्लम आ जाता है, यहाँ पे सीलन करने लगता है, जो कि आप काफ़ी अधिक बाइक में देखे होइएगा। अब हम इस डीपीएसटी को यहाँ पे टाइट कर दिए, परफेक्ट टाइट हो गया। अब चलिए हम बाइक का फ्रंट का काम करते हैं। अभी प्लग वगैरह क्लीन नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट सर्विस में प्लग क्लीन किया था, तभी प्लग सबको ओपन नहीं करना है। एक सर्विस आप बीच में गैप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंजन का साउंड अभी मस्त मला मक्खन है। एक बार आपको हम इंजन साउंड, आपको इंजन का साउंड भी सुनाएंगे। पहले चलिए फ्रंट व्हील को हम ओपन करके ब्रेक ड्रम को क्लीन करते हैं। जैसे सर्विस सेंटर पर सर्विस करता है उस तरह से बतला रहा है, अपने वर्कशॉप जैसा सर्विस करके नहीं बतला रहा है, जैसे सर्विस सेंटर पर सर्विस करता है वही सेम पैटर्न अभी हम फॉलो कर रहे हैं। अब चलिए बाइक का हम फ्रंट व्हील को यहाँ से फटाफट से ओपन कर लेते हैं। ओके, इस तरह से ब्रेक ड्रम को ओपन करेगा और इसके अंदर क्या करेगा आपको बतला रहे हैं, एयर गन का यहाँ पे यूज करेगा। इस तरह से देखिए एयर गन का यूज कर दिया और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। व्हील को वायरिंग वायरिंग कुछ ग्रीस नहीं करेगा, नॉर्मल ब्रेक को क्लीन, सर्विस सेंटर जैसा हम बिल्कुल आपको सर्विस करके दिखला रहे हैं, ऐसा नहीं कि वर्कशॉप जैसा सर्विस करेंगे। फिलहाल हम काम कर रहे हैं अपने वर्कशॉप पे ही, लेकिन आपको सर्विस सेंटर जैसा सर्विस करके दिखला रहे हैं किस तरह से सर्विस सेंटर पे काम होता है। व्हील में इस तरह से राइपर के मदद से व्हील को ब्रेक ड्रम को क्लीन कर देगा। इस तरह वायरिंग वायरिंग में कभी हम ग्रीस डालते तो नहीं देखे सर्विस सेंटर पे, बोलता है कि डायरेक्ट वायरिंग ही हमारे यहाँ रिप्लेस होता है, क्या ये सच में है? और आप कभी देखें कि व्हील को वायरिंग को ओपन करके ग्रीस डालते तो आप एक बार कमेंट करके बतलाइएगा, अगर आप सर्विस सेंटर पर सर्विस करवाए होएगा तो। देखिए अब इसको क्लीन कर दिया, जस्ट उसके बाद ब्रेक शू को कुछ इस तरह से क्लीन करेगा, देखिए ताकि ब्रेक के साउंड नहीं आए। वो भी सेकेंड सर्विस में कभी कभी ओपन करता है, कभी कभी नहीं भी ओपन करता है। आप लोगों के बाइक का कौन सा सर्विस में व्हील ओपन किया आप एक बार हमें कमेंट करके बतलाइएगा। देखिए नॉर्मल ब्रेक क्लीन हो गया, अब क्या करेगा स्केम में थोड़ा आपको ग्रीस डाल देगा इस तरह से, बस स्केम में ग्रीस डाल दिया, स्प्रिंग में थोड़ा ग्रीस डाल दिया, हो गया फ्रंट व्हील का सर्विस। इस तरह से काम करता है सर्विस सेंटर पे, उसी पैटर्न का हम यूज कर रहे हैं। जस्ट उसके बाद आपको एक्सल के ऊपर थोड़ा इस तरह से ग्रीस का लेप करेगा, व्हील को कर दिया फिटिंग, यानी कि वायरिंग वायरिंग में ग्रीस नहीं डालता है। थर्ड सर्विस हम कराएंगे सर्विस सेंटर में ही, उस टाइम देखते हैं कि वायरिंग में ग्रीस डालता है या नहीं। हमारा टेंट कर दिए, व्हील हमारा प्रॉपर मूव कर रहा है, फ्रंट व्हील का काम कंप्लीट हो गया, ब्रेक व्रेक हम परफेक्ट एडजस्ट कर दिए हैं यहाँ पे, काम कंप्लीट। अब चलिए हम रियर में आपको दिखलाते हैं रियर में क्या क्या काम होता है। सर्विस में सबसे पहले बाइक का फ्रंट पॉकेट कवर को ओपन करेंगे, फर्स्ट सर्विस में भी ओपन करता है ऐसा नहीं है, सेकेंड सर्विस में भी ओपन करता है। और यहाँ देख कितना ज़्यादा कचरा जमा है। अब नीचे वाला चेन कवर को ओपन करेगा, पीछे वाला व्हील को ओपन करता है। चलिए हम पीछे वाला व्हील को ओपन कर रहे हैं, ओपन किए ब्रेक शू घिसा हुआ भाग यहाँ पे कितना ज़्यादा जमा हुआ, आप देखिए व्हील में, यहाँ पे व्हील में भी कितना ज़्यादा जमा है। इस तरह से सर्विस सेंटर पर सर्विस करता है, जो कि आपको सर्विस सेंटर जैसा सर्विस करके दिख रहा है, यानी कि वर्कशॉप जैसा सर्विस करे, ये भी आपको अभी भी हम बतला रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करता है एयर गन का, मैंने जो भी इसमें कचरा है इसको क्लीन कर दिया, परफेक्ट अच्छा से क्लीन हो गया। देखिए ब्रेक ड्रम भी इसका क्लीन हो गया, आधा घंटा भी नहीं लगता है सर्विस सेंटर में एक बाइक का सर्विस करने में, सर्विस करके कंप्लीट हो जाता है बाइक। उसके बाद रैपर की मदद से सरेस का से व्हील को एक बार ड्रम को क्लीन करेगा, ताकि ब्रेक अच्छा से लगे, ब्रेक से साउंड ना आए। परफेक्ट क्लीन कर लिए, इसको एयर गन से एक बार क्लीन कर देना है। जस्ट उसके बाद आपको ब्रेक ड्रम को ब्रेक शू का आपको इस तरह से आपको क्लीन कर देना है। को क्लीन करेगा, दोनों में ब्रेक केम में यहाँ पे ग्रीस डाल दिए। अब आपको व्हील को कर देगा सेटिंग, ब्रेक देखिए क्लीन करके हम व्हील को सेटिंग कर दिया, अभी चेन एडजस्ट नहीं किया, व्हील अभी ढीला है, पहले हम चेन को क्लीन करते हैं। आइए इस तरफ पेट्रोल कंपनी का चेन क्लीन है, जिस तरह सर्विस सेंटर में चेन को क्लीन करते हैं वो आपको बतला रहे हैं। नॉर्मल बाइक को स्टार्ट कर देगा, बाइक को फर्स्ट गियर डाल दिया, चेन क्लीनर स्प्रे लेकर के इस तरह से स्प्रेगा, ज़्यादा डस्ट है तो वॉशिंग टाइम भी इसको ओपन करके क्लीन कर देता है, बस सर्विस सेंटर पर इसी तरह से क्लीन करेगा। ऐसे तो बाइक का फर्स्ट फ्री सर्विस में क्लीन किया था, नहीं होगा तो पेट्रोल है तो पेट्रोल भी निकाल करके क्लीन कर देता है, ऐसा नहीं है,
उसके बाद हमारे वर्कशॉप पे ब्रश है, तो ब्रश लेकर थोड़ा हम यहाँ पे क्लीन कर देते हैं। चैन इसका काफ़ी गंदा है, इसलिए यहाँ पे हम चैन क्लीनर का यूज कर रहे हैं, यूज करेंगे चैन क्लीन करने के लिए। इस तरह से ब्रश को हम यूज कर लिए। अभी अब क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा डीजल का हम यूज करेंगे, क्योंकि चैन क्लीनर स्प्रे का तो यूज कर दिया, चैन फूल गया, इसके अंदर जो भी कचरा था फूल गया। अब हम यहाँ पे डीजल का थोड़ा यूज करेंगे, कचरा चैन के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। बाइक को हम फिर से स्टार्ट कर ले, फर्स्ट गियर यहाँ पर डाल दिए, चैन के अंदर कचरा ज़्यादा है, इसलिए हम डीजल का यहाँ पर यूज कर रहे थे। इतना मेहनत कौन सर्विस सेंटर पर करेगा चैन क्लीन करने के लिए। जस्ट बार एयर गन का यहाँ पे थोड़ा यूज कर दिया, सर्विस सेंटर पे तो नॉर्मल चैन क्लीनर का यूज करता है, उसके बाद एयर का प्रेशर यूज कर दिया, हो गया चैन क्लीन है। चैन में मुझे ज़्यादा कचरा लगा, इसलिए हमने खुद से यहाँ पे क्लीन किया है, परफेक्ट चैन क्लीन हो गया। जस्ट चैन क्लीन करने के बाद ये चैन ल्यूब है, जो कि रोलैंड कंपनी का है ये। अब सर्विस सेंटर भी देखे, चैन ल्यूब का ही यूज करता है, फ्रंट स्पोकेट में इस तरह से स्प्रे कर देता है, उसके बाद चैन के यहीं से स्प्रे करता है, देखिए चैन के ऊपर इसी तरह से स्प्रे कर देता है। चैन में मैं भी बोलूँगा, कभी भी आप ग्रीस का यूज नहीं कीजिए, हो सके तो नॉर्मल गियर ऑयल डालिए, लेकिन चैन के अंदर कभी भी आप ग्रीस का यूज नहीं कीजिए। ग्रीस यूज करने से चैन सेट आपका खराब हो जाएगा। देखिए बैग को हम निट्रोल कर लिए, अब देखिए चैन क्लीन करने के बाद चैन कितना ज़्यादा ढीला हो गया। अब यहाँ पर चैन को अच्छा से आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। फ्रंट स्पोकेट में भी थोड़ा स्प्रे कर दिया है, ताकि यहाँ पर गड़गड़ाहट पड़पड़ाहट का साउंड नहीं आएगा। अब फ्रंट स्पोकेट में यहाँ पर थोड़ा आपको ग्रीस डाल देना है, यहाँ पे थोड़ा आपको फ्रंट स्पोकेट में ग्रीस डाल देना है, चैन के अंदर ग्रीस नहीं डालना है। चैन कितना ज्यादा ढीला है, चैन को एडजस्ट करना, देखिए चैन जैसे जैसे एडजस्ट कर रहे हैं वैसे वैसे ऊपर जाएगी। चैन में इस तरह से आपको थोड़ा आपको 5 mm चैन के अंदर इस तरह से आपको 6-8 mm का फ्री प्ले देना है, इस तरह से देखिए, इस तरह देखिए चैन अभी एडजस्ट कर लिए, और जितना पॉइंट आपको लेफ्ट साइड में उतना ही पॉइंट आपको राइट साइड में रखना है। नहीं तो गलत चैन एडजस्ट रहेगा तो फिर आपका बाइक का बहुत जल्द चैन सेट खराब हो जाएगा। चैन को हम परफेक्ट एडजस्ट कर लिए, चैन हमारा परफेक्ट एडजस्टिंग है, व्हील टाइट कर दिए। व्हील टाइट करने के बाद आपको चैन करेंगे वाले बोल्ट को टाइट कर दिए, अब इस नट को फाइनल टाइट कर देना है। उसके जस्ट बाद आपको व्हील को मूव करके पीछे वाला ब्रेक दबा करके आपको ब्रेक व्हील को फाइनल नट को आपको टाइट करना है। व्हील हमारा सेंटर में रहेगा तो फिर ब्रेक जो है प्रॉपर वर्क करेगा। देखिए फाइनली व्हील को टाइट कर लिए, देखिए चैन क्लीन होगा, चैन से साउंड वाउंड नहीं आ रहा, व्हील को हम टाइट कर दिए। अब आपको ब्रेक को परफेक्ट एडजस्ट कर, जो कि ब्रेक में 10 mm का फ्री प्ले होना चाहिए। का रियर व्हील का काम कंप्लीट हो गया, फ्रंट व्हील का काम कंप्लीट हो गया, ब्रेक को हम परफेक्ट एडजस्ट कर ले। ब्रेक में हमने फ्री प्ले 10 mm का दिए हैं, फ्रंट ब्रेक में फ्री 10 mm का दिए हैं, क्लच के अंदर हमने यहाँ पे फ्री प्ले 8 mm का दिया है। क्लच को आप जब भी एडजस्ट करते हैं तो 8 mm का फ्री प्ले दीजिए, इससे ज़्यादा फ्री प्ले दीजिएगा फिर आपका बाइक जो है हैंडल लेफ्ट या राइट करने पर ऑटोमेटिक पिकअप कम जाएगा, उससे बार बार आपके बाइक का क्लच प्लेट फूकेगा। तो क्लच में कभी भी 8 mm का फ्री प्ले होना चाहिए। जस्ट उसके बाद थ्रोटल में यहाँ पे 5 mm का फ्री प्ले होना, जो कि परफेक्ट 5 mm का थ्रोटल के अंदर फ्री प्ले एक्सीलेटर के अंदर। देखिए क्लच के अंदर हम यहाँ पे थोड़ा ग्रीस डाल दिए, क्लच हमारा परफेक्ट स्मूथनेस वर्क कर, इस कवर को यहाँ पे सेटिंग कर देते हैं। ब्रेक के अंदर भी हम यहाँ पे ग्रीस डाल दिए। इसी तरह से हम बाइक को सर्विस करते हैं, इसी तरह से सर्विस सेंटर में बाइक को सर्विस किया जाता है। हैंडल में प्रॉब्लम है तो हैंडल को ओपन करके ग्रीसिंग करेगा, जिसका हैंडल में कोई प्रॉब्लम रहता है हैंडल भी ओपन करके ग्रीसिंग किया जाता है, बट हैंडल में इतना जल्दी नया बाइक में प्रॉब्लम नहीं आता है। वैसे आपके बाइक में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सर्विस सेंटर पर कंप्लेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कंप्लेन करना है, कंप्लेन करना है। बाइक में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको सभी को सर्विस टाइम ही इसको कंप्लेन आपको दर्ज करवा देना है। उसके बाद हम बाइक के यहाँ पे हैंडल को चेकअप किए, हैंडल हमारे बाइक का देखिए परफेक्ट सही, हैंडल कहीं भी अटक नहीं रहा है। फ्रंट में हमने 30 पॉइंट एयर डाले हैं, रियर में 40 पॉइंट एयर डाले हैं। इंजन में देखिए अभी तक तो कोई भी साउंड मुझे नजर नहीं आ रहा है, इंजन में करेंट वरेंट कैपिड पिस्टन का रिंग पिस्टन का टाइमिंग चेन वाइमिंग चेन का इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, इंजन का साउंड अभी मस्त मोला मक्खन है। लेकिन इंजन का साउंड अभी मस्त मोला मक्खन आ रहा है, टाइपिट से टाइमिंग चेन से फिर करेंगे या पिस्टन से कोई भी साउंड नहीं आ रहा, बाइक चलाना भी प्रॉपर स्मूथ लग रहा है। बाइक पहले भी बाइक में कोई प्रॉब्लम है तो नॉर्मल आपको सेकंड सर्विस करना था,
बाइक मैं खुद मैकेनिक हूँ और मेरा ये बाइक है, तो मुझे अच्छा से पता है कि बाइक को कैसे मेंटेन किया जाता है। अभी तक बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो इसी तरह से बाइक का सेकंड सर्विस कंप्लीट होता है, जो कि सर्विस सेंटर पर भी सर्विस इसी तरह से, यानी कि सर्विस सेंटर भी बाइक को सर्विस इसी तरह से किया जाएगा। आप बोलिएगा तो व्हील को ग्रीसिंग करेगा, नहीं तो वैसे ही छोड़ देगा। नॉर्मल ब्रेक ट्रक को क्लीन व्लीन कर देगा, फिर से व्हील को सेटिंग कर देगा। अब देखिए थर्ड सर्विस का आप लोगों को वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट कीजिएगा, जो कि सर्विस सेंटर पर बाइक का हम थर्ड सर्विस करवाएंगे, और फर्स्ट सर्विस बाइक का हम सर्विस सेंटर से ही करवाए थे। तो फर्स्ट सर्विस का आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। और हमारे वर्कशॉप पे किस तरह से बाइक को सर्विस किया जाता है, वो भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो भी वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं, या वीडियो का लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। और आप लोग को एक डाउट क्लियर कर देते हैं, बाइक का हम सेकंड सर्विस में क्लच चैम्बर को ओपन करके स्क्रीन फिल्टर सेक्शन फिल्टर को क्लीन नहीं किया है, क्योंकि बाइक का जो है सब पार्ट जो है फर्स्ट सर्विस में क्लीन हुआ था सर्विस सेंटर पे। एक सर्विस हम गैप दे सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा इंजन के अंदर। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।